हरे कृष्णा, जय माता दी। फाइनली हमारा लल्ला उठ चुका है और अब हम इसका अभिषेक करेंगे। इनको स्नान करवा के पूरा सुबह की पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे और उसके बाद हम अपने भगवान जी को तुलसी दल यानी कि तुलसी के जल से स्नान करवाएंगे। तुलसी का जल जो है वो हम रात में पानी के अंदर कुछ तुलसी के पत्ते को डाल देते हैं और उसके बाद सुबह इसे जल से भगवान जी का स्नान करवाते हैं यानी कि भगवान जी को अभिषेक कराते हैं और फिर इनको शुद्ध जल से स्नान करवा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करते हुए और अब हम यहाँ पे टावल या फिर कॉटन के कपड़े से सारा पानी सुखा देंगे और अब हम यहाँ पे अपने भगवान जी को इत्र की मालिश करेंगे। इत्र की मालिश आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मौसम के अनुसार किया जाता है। तो हमने यहाँ पे गुलाब का इत्र यूज़ किया है और अब अपने लल्ला को यहाँ पे हम श्रृंगार करेंगे। आज हम यहाँ पे इनको पिच कलर की ड्रेस है, पिस्ता कलर है, जिससे हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। और कभी भी आप भगवान जी का श्रृंगार पूजा करते हैं उस टाइम पर आप भजन गाइए, भगवान जी को जैसे भी आप रिझा सकते हैं वैसे आप भगवान जी को रिझा कर उनकी सेवा पूजा करिए। और आज लल्ला का कुछ स्पेशल श्रृंगार हो रहा है, जैसे आज बहुत ज़्यादा मन था ठाकुर जी को थोड़ी हैवी ड्रेस पहनाने का, तो आज इसलिए बहुत लाइट वेटेड है और बहुत ही सुंदर ड्रेस है। तो आज हमने अपने ठाकुर जी को ये कलर की पिस्ता कलर की ड्रेस पहनाई है। और अगर आप ऐसा विग्रह परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, आप परचेज कर सकते हो और शॉप पर भी ईजिली विजिट कर सकते हो। वृंदावन आओ, शॉप पर एक बार जरूर विजिट करो। तो ये सुंदर से गोपाल जी हैं, अगर आप ये भी लेना चाहते हो ये भी आपको हमारे शॉप पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये 6 नंबर के गोपाल जी हैं, इनको हमने यहाँ पे पटका पहना दिया है। और अब हम यहाँ पे आज फूलों का श्रृंगार करेंगे। तो अपने ठाकुर जी को हमने यहाँ पे फूल माला पहनाया है। लल्ला को बांसुरी धारण करवा देंगे। मेरे लल्ला को राधा नाम की बांसुरी बहुत प्रिय है, तो हम अपने ठाकुर जी को बांसुरी धारण कराएंगे और अब अपने श्री हरि विष्णु का श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे हम इनको माला धारण करवाएंगे। हमारे विष्णु भगवान को पीला रंग काफ़ी प्रिय है, तो हमने यहाँ पे गेंदे की माला इनको अर्पित करी है और अपने लक्ष्मी माता को भी यहाँ पे हम माला अर्पित करेंगे। आप लोगों को श्रृंगार वीडियो कैसी वीडियोस चाहिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, पूरी कोशिश करेंगे आप सबके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए। तो बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है और अब हम यहाँ पे अपने भगवान जी को भोग वगैरह लगा कर इनकी आरती करेंगे। तो जो भी आरती आपको याद है, ओम जय जगदीश हरे, आरती श्री बांके बिहारी जी की, आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों की भक्ति में शक्ति शक्ति।